Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And I am discussing various issues over the main heading of primary education, in which today I am going to discuss the last topic of this unit, that is non-graded school. Okay? The lecture will be in bilingual mode, and do subscribe my channel to get my future and previous videos too. And the lecture will be interesting as well as useful for you for various competitive teaching examinations as well as for your general BA, MA and professional BEd, MEd courses. Okay, so first of all, non-graded school. हमको पढ़ना है non-graded. Non-graded मतलब अवर्गीकृत स्कूल आप कह सकते हैं, है ना, अवर्गीकृत विद्यालय. तो उसके पहले हमको जानना पड़ेगा कि graded school क्या है. Graded school कुछ और नहीं है, वही है जिनमें हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं. क्या है graded school? The children were conveniently divided into chronological age groups, beginning with 6 year old in the first grade and continuing through the lockstep design through 11 or 12 grade. कह रहे हैं कि ग्रेडेड स्कूल क्या है कि बच्चे का उम्र के हिसाब से एज ग्रुप बनाया गया है. जैसे 6 लगभग 6 साल के बच्चे का फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन होता है, वो इसी तरह से पढ़ते पढ़ते 11वीं या 12वीं ग्रेड तक पढ़ता है. तो ये ग्रेड स्कूल है. क्यों ग्रेड स्कूल है? क्योंकि हमने क्रोनोलॉजिकल एज ग्रुप बनाया है ग्रे, और उसको ग्रेडिंग कर दिया कि ये फर्स्ट ग्रेड है, ये सेकेंड ग्रेड है, ये थर्ड ग्रेड है, ठीक है, या फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, उसमें हम ग्रेड देते हैं. अभी आपको समझ में आएगा. चिल्ड्रेन हु मेट दी स्टैंडर्ड्स वर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ग्रेड एट द एंड ऑफ द स्कूल ईयर, है ना. जो बालक, जो विद्यार्थी एक हमने मानक तय कर दिया है उसको पा लेते हैं, उनको हम नेक्स्ट ग्रेड पे प्रमोट कर देते हैं साल के अंत में. यही होता है ना, जैसे हमने मान लिया कि 100 में 33 नंबर से आप पास हो जाएंगे, तो अगर हमने ये स्टैंडर्ड पहले से बना दिया है तो 100 में अगर 34 35 50 नंबर आपके हैं तो आप कक्षा 1 से कक्षा 2 में चले जाएंगे, 2 से 3 में चले जाएंगे, 11 से 12 में चले जाएंगे. इस तरीके का ग्रेडेड स्कूल में होता है. दोज हु डिड नॉट मीट द ग्रेड एक्सपेक्टेशंस फेल्ड टू बी प्रमोटेड एंड हैड टू रिपीट the grade again in the next year. ये TO2 है, TOO2 नहीं है. तो और वो जो ये ग्रेड का एक्सपेक्टेशन जो मतलब बनाया गया है कि जो भी मानक सेट किया गया है उसको नहीं पा पाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, उनको प्रमोट नहीं किया जाता और उनको उसी ग्रेड को बार बार मतलब दोबारा रिपीट करना पड़ता है. ऐसा ही होता है. The brand of failure had negative effect ऑन दी नॉन प्रमोटेड चाइल्ड. लेकिन वो बालक जो प्रमोट नहीं हो पाता उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, उसको सब कहते हैं ये फेलियर है ना, ये फेल हो गया, ये पास नहीं कर पाया, इस तरीके की बातें घर में, समाज में, क्लास में, सब जगह उसको ये एक साइकोलॉजिकल उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है. फिर नॉन प्रमोशन कॉज चिल्ड्रेन टू डेवलप डिफीटिस्ट एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स ऑफ फेलियर, है ना. जो नहीं प्रमोट हो पाता उसके संग उसको बुरा लगता है. दिस समटाइम्स क्रिएटेड साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स सो द चाइल्ड कुड नॉट लर्न एनी मोर. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो बच्चा फिर उस क्लास में और बुरा परफॉर्म करता है पिछली बार से भी ज्यादा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक उसके दिमाग में आता है कि वो तो प्रमोट नहीं हो पाया, वो अच्छा नहीं है, वो बेहतर नहीं है, वो कर नहीं सकता है, इस तरीके की बातें. नॉन प्रमोशन कुड कॉज द चाइल्ड टू बिकम सोशली मिस ग्रुप विच कुड टर्न हिम इन टू ए बिहेवियर प्रॉब्लम. कई बार ऐसा होता है कि चूंकि वो बच्चा मतलब पहले ऐसा होता था, अब तो चूंकि बच्चों को फेल नहीं करते हैं, वो बाद में उनको दोबारा री एग्जाम इस तरह से करके किसी तरह प्रमोट कर दिया जाता है. लेकिन जनरली ऐसा होता था कि बच्चा फेल हो गया तो वो उसी क्लास में रिपीट करेगा और नए साल में उसको नए बच्चे मिल जाएंगे. वो नए बच्चे क्या होते हैं, उम्र में उससे छोटे होते हैं, वो उम्र में उससे बड़ा होता है, और कहीं उसने दूसरी बार उसी क्लास में फेल हो गया तो वो उन क्लास के बच्चों से और बड़ा हो जाता है. तो बिहेवियर प्रॉब्लम भी उस पर हो जाती है कि उसकी उम्र का कोई उसको क्लास में मिलता नहीं है, ये भी एक उसके संग दिक्कत हो जाती है. The system of classifying children, teachers, textbooks and instruction by the chronological age of the children is very much same today as it was in the beginning of graded school, है ना. जब graded स्कूलों की शुरुआत हुई होगी तब से लेकर आज तक लगभग उसी तरीके का सिस्टम चल रहा है. हमने बच्चों को क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल मतलब उम्र के हिसाब से, उम्र के हिसाब से बांट दिया है, उनकी टेक्स्ट बुक बांट दी है, हमने समझ लिया है कि इस क्लास को ये पढ़ाना है, इतना हमने पहले से तय कर लिया है कि इतना पास होने के लिए जरूरी है. आप पा लेते हैं तो आप पास होकर अगली क्लास में चले जाएंगे, नहीं पाएंगे तो आप पिछली ही क्लास में रह जाएंगे. ये ग्रेडेड स्कूल है कि नेक्स्ट ग्रेड या नेक्स्ट क्लास में आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है. ये डिपेंड करेगा कि आपने वो जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है उसको पाया या नहीं पाया. अब और क्या ग्रेडेड स्कूल है? The main problem with graded structure is and has been failing to deal with the individual differences of children. सबसे ज्यादा जो दिक्कत ग्रेडेड स्कूल के संग है वो बच्चों के वैयक्तिक अंतर को नहीं देखता है.
individual differences in children make it impossible to fit them together according to ages into neat packages and to impose the same expectations on all in a grade group. वो कह रहे हैं कि हमने मान लिया है कि सिक्स क्लास अगर छह साल तक की उम्र के बच्चे इस तरह से परफॉर्म करने चाहिए, लेकिन ये कोई ऐसा मतलब गणित तो चल नहीं रहा है, ये तो व्यक्ति है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, कोई सात साल में वो स्टैंडर्ड पा सकता है, कोई पांच साल में ही पा सकता है. एकदम नीचली हम नहीं कह सकते कि छह साल के सभी बच्चे बिल्कुल एक तरीके से परफॉर्म करेंगे, है ना. The most dominant weakness of graded school appears to be the expectation for groups of children to learn the same thing at the same time. और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि हमने ये मान लिया है, हम ये अपेक्षा करते हैं कि सभी बच्चे सभी चीज को सभी एक ही समय में सीख जाएंगे. ये भी तो एक तरीके से ज्यादती है उनके ऊपर. दिस इज इन वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी. ये एक तरीके से मनुष्य की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की थ्योरी है उसका वॉयलेशन है, उसका उल्लंघन है, क्योंकि हम अपने अपने हिसाब से ग्रो करते हैं, अपने अपने हिसाब से हमारा डेवलपमेंट होता है. हम पहाड़ा नहीं है कि सब लोग 2 × 2 = 4 ही आएगा निकल के, है ना. In view of the criticism of the past 1.5 decades, the low achievement of pupils and the dropout rates, there is a need for drastic change in instructional program in education. तो ये देखा गया 10-20 सालों में ये देखा गया कि बहुत ड्रॉप आउट रेट है, बच्चा अचीव नहीं कर पा रहा है, तो ये पाया गया कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है और इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम में चेंज करने की जरूरत है. ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब अमेरिकन स्कूल की बात हो रही है, ये हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है. क्योंकि हम तो अभी आप जानेंगे कि नॉन ग्रेडेड स्कूल थोड़ा सा टिपिकल है, उसको आप बहुत उसमें अच्छाइयाँ हैं लेकिन उसको अचीव कर पाना थोड़ा मुश्किल है. तो हम तो चूंकि अभी टोटल लिटरेसी कैंपेन की बात कर रहे हैं, हम तो अभी ये बात करें कि हम सबको साक्षर कर दें, तो हम अभी उसमें इनोवेशन की बात अभी नहीं कर रहे. तो ये अमेरिका का कंसेप्ट है, अमेरिकन स्कूल ऑफ फिलोसफी से आया है कि वहां पर ये पाया गया कि इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम में चेंज करने की जरूरत है. वन सच चेंज विच हैज इम्प्लीकेशंस फॉर एन इम्प्रूव्ड सक्सेस रेट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्रोसेस डिजाइन नोन एज द नॉन ग्रेडेड स्कूल. और सोचा गया कि कुछ चेंज किया जाए, तो उसमें से एक चेंज निकल कर आया जिसको कि नॉन ग्रेडेड स्कूल के नाम से जाना जाता है. अब आएगा नॉन ग्रेडेड स्कूल, ठीक है. पहले इसकी हिस्ट्री जानते हैं, बहुत इन शॉर्ट मैंने बताई है, वैसे बहुत है इसकी हिस्ट्री में बताने लायक, लेकिन हम कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे. द 1960s एंड 1970s वर अ टाइम ऑफ हाई इंटरेस्ट इन नॉन ग्रेडेड स्कूलिंग. 1960 और 70 के दशक में नॉन ग्रेडेड स्कूलिंग पर बहुत बात हुई. द एजुकेशनल प्रेस कैरीड ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन द टॉपिक एंड मेनी रिसर्च स्टडीज वर कंडक्टेड. बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए इस टॉपिक पे, बहुत सारे अनुसंधान शोध कार्य हुए. जॉन गुडलैड एंड रॉबर्ट एंडरसन्स रिवीजन ऑफ द नॉन ग्रेडेड एलिमेंट्री स्कूल, जो कि 1963 में लिखा गया, प्रोवाइडेड द रैशनेल फॉर स्कूल्स अटेम्प्टिंग नॉन ग्रेडेड प्रोग्राम्स. मतलब इन दोनों ने लिखा द नॉन ग्रेडेड एलिमेंट्री स्कूल 1963 में, और इसमें बात की गई कि नॉन ग्रेडेड प्रोग्राम कैसे स्कूल अटेम्प्ट कर सकता है. दैट बुक वॉज रिवाइज्ड अगेन इन 1987 मेकिंग अ न्यू पीरियड ऑफ इंटरेस्ट इन नॉन ग्रेडेड स्कूलिंग. यही बुक फिर से 1987 में रिवाइज की जाती है और लोग और ज्यादा रुचि लेने लगते हैं नॉन ग्रेडेड स्कूलिंग के बारे में. Kentucky and Oregon now mandate non-graded continuous progress primary units as vehicles for school improvement, and other state departments of education and school districts are considering the implementation of non-graded programs. ये history है आपकी कि 1960-70 में बहुत बात हुई, Goodlatte और Robert Anderson किताब लिखते हैं, 1963 में उसको revise किया जाता है. Kentucky and Oregon कहते हैं कि mandatory मतलब सभी को निश्चित रूप से करना चाहिए non-graded program का implementation. Now as the year 2000 approaches and schools are being re-evaluated in light of changing social and economic conditions, non-gradedness is the focus of renewed interest. कह रहे हैं जैसे जैसे 2000 आने लगा, तो फिर जब देखा गया कि स्कूलों का पुनः मूल्यांकन किया जाए कि भाई सोशल कंडीशन बदल गई, इकोनॉमिक कंडीशन बदल गई, तो फिर से पाया गया कि non-graded school के बारे में लोगों का इंटरेस्ट फिर से जागा. तो क्या है non-graded school? क्या है नॉन ग्रेडेड स्कूल? अगर इसका कंसेप्ट देखें तो ए नॉन ग्रेडेड स्कूल डज नॉट यूज ग्रेड लेवल डिजिग्नेशंस फॉर स्टूडेंट्स और क्लासेस. यानी कि यहाँ पे हम बच्चे को ग्रेड नहीं देते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि तुम क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट हो, तुम सेकंड के, तुम थर्ड के. प्रोग्रेस तो प्रोग्रेस कैसे निकाली जाएगी, मतलब रिपोर्ट कार्ड कैसे बनेगा. प्रोग्रेस इज रिपोर्टेड इन द टर्म्स ऑफ टास्क कंप्लीटेड एंड द मैनर ऑफ लर्निंग, नॉट बाई ग्रेड्स और रेटिंग सिस्टम. यहाँ आपकी उन्नति यानी बच्चे की उन्नति इस टर्म्स में नापी जाती है कि उसने कितने टास्क कंप्लीट कर लिए, किस तरीके की उसका उसने अधिगम ग्रहण किया है, ना कि ये कि उसको हम नेक्स्ट ग्रेड में जाने दे रहे हैं, ना कि ये कि उसने ए ग्रेड आया है, बी ग्रेड आया है, ठीक है. अ टीम ऑफ टीचर्स जनरली वर्क्स विद अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स.
who are regrouped frequently to the particular task or activity and student needs or interests. वो कह रहे हैं कि टीचर्स की एक टीम होती है और बच्चों के एक समूह के संग काम करती है. जैसे जैसे एक्टिविटी बदलती है, समूह बदल जाता है, बच्चों का भी और शिक्षकों का भी. मैनी टाइम्स दीज आर मल्टी एज हेट्रोजीनियस ग्रुप्स परस्यूइंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज इन इंटरडिसिप्लिनरी थीमेटिक यूनिट्स. कई बार क्योंकि ग्रेडेड स्कूल में हमने क्रोनोलॉजिकल एज ग्रुपिंग की थी, नॉन ग्रेडेड में नहीं किया. यहाँ पे हम जो ग्रुप बनाते हैं वो टास्क वाइज बनाते हैं, तो जो जो ग्रुप होता है वो मल्टी एज हेट्रोजीनस ग्रुप होता है, यानी कि कई उम्र के बच्चे उसमें हो सकते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं. कई डिसिप्लिन से मिला जुला के काम चल रहा है. स्टूडेंट्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर लर्निंग एंड इन द कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन टू बी यूज्ड फॉर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. जो बच्चे हैं यहाँ पे वो एक्टिवली काम करते हैं, सीखते हैं, प्रतिभागिता करते हैं. द कंटिन्यूअस प्रोग्रेस ऑफ यूपिल्स इज रिफ्लेक्टेड इन स्टूडेंट्स ग्रोथ ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट मूवमेंट थ्रू ए प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ करिकुलम लेवल्स. यानी यहाँ जो बच्चे की उन्नति है, जो प्रगति है, वो ये देखी जाती है कि उसने कितना ज्ञान ग्रहण किया, कितना कौशल है उसके पास, कितनी उसके पास समझ है, न कि ये कि हमने पहले से सोच रखा है कि आप इस ग्रेड में इतना सीख जाएंगे, उतना आप सीख पाए कि नहीं. ठीक है, और क्या है ये? नॉन ग्रेडिंग इज ए प्लान फॉर क्लासिफाइंग स्टूडेंट्स एंड मूविंग देम थ्रू अ स्कूल प्रोग्राम. ठीक, इट इज प्राइमरीली एन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट दैट रिकॉग्नाइजेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सबसे खास बात ये है कि जो नॉन ग्रेडेड स्कूल है वो बच्चे के बीच के अंतर को पहचानता है. मीट्स ए स्टूडेंट वेयर ही इज, वो बच्चे से वहीं जाके उस लेवल पे मिलता है जहां वो बच्चा होता है. Provides for his continuous progress at his own speed. उसको वो गति प्रदान करता है जो उसको अपनी गति, मतलब जो उसकी गति है. हम उसको तेज या धीरे चलने के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जो तुम जिस हिसाब से चल सकते हो वैसे चलो. Makes suitable provision for him in the teaching. हम उसको शिक्षण में उसको provision provide करते हैं कि जो आपके लिए उचित हो उस हिसाब से चले. The grouping arrangement, हम उनके लिए groups बनाते हैं. The curriculum and the materials, उनको उस तरीके का curriculum और material provide किया जाता है. Discards grade levels, हम उनको कहीं कोई grade नहीं देते. Replaces grade standards and uniform academic requirements with sequential subject matter levels. यहाँ पे हमने ग्रेड को किससे रिप्लेस कर दिया है कि आप सीक्वेंस में चलिए, थोड़ा थोड़ा सीखिए, जो आपकी समझ है उस हिसाब से सीखिए. परमिट्स इंटर एंड इंट्रा क्लास ग्रुपिंग एंड मूवमेंट. यहाँ पे हम कई क्लास, मतलब बहुत सारे ग्रुपिंग को अलाउ करते हैं कि ठीक है आप टास्क वाइज ग्रुप बना लीजिए. पर ग्रेडेड स्कूल में क्या होता है, क्लास वन की एक्टिविटी अलग होगी, क्लास टू की अलग होगी, थ्री की अलग होगी, है ना. रिवॉर्ड्स द एफर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बच्चे का जो प्रयास है उसको इनाम देते हैं. Strives to challenge each student. हर बच्चा यहाँ पे उसको चैलेंज किया जाता है कि तुम बेहतर से बेहतर करो. Develops a sense of adequacy in students. Provides a reporting system consistent with its philosophy. Eliminates failure and social promotion. यहाँ पे कोई फेल नहीं होता है, कोई ये भय नहीं है कि हमको सोशल स्टिग्मा लग जाएगा, हम फेल हो जाएंगे. जितना हमको आता है उस हिसाब से हमारा प्रोग्रेस कार्ड बन जाएगा. और क्या है नॉन ग्रेडेड स्कूल? It is defined in terms of respect for and optimism about individual differences. ये बात तो मोटा मोटा सबको समझ में आ जानी चाहिए कि वैयक्तिक अंतर को ये आदर देता है non-graded school का concept. It calls for the provision of a pleasurable, challenging and rewarding learning atmosphere. यानी कि यहाँ पे हम आपको कैसा अधिगम का वातावरण देते हैं जिसमें आपको खुशी मिले, जिसमें आपको चुनौती मिले, जिसमें आपको इनाम मिले. Where there are maximum opportunities for productive interaction between the learners. जो शिक्षार्थी हैं वो आपस में भी इंटरेक्शन करते हैं. विद इन ए नॉन ग्रेडेड सेटिंग द करिकुलम इज बोथ इंटीग्रेटेड एंड फ्लेक्सिबल. हमारा करिकुलम पहले से निर्धारित नहीं है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, वो रिजिड नहीं है, वो इंटीग्रेटेड है, वो जुड़ा हुआ है. सिमिलरली द टाइम टेबल फॉर द एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ ईच यूनिक चाइल्ड इज फ्लेक्सिबल. ग्रेडेड स्कूल में क्या होता है कि 45 मिनट क्लास चलनी है, कई बच्चे 45 मिनट में कई बार समझ जाते हैं और कई एक बार भी नहीं समझ पाते हैं. यहाँ पे आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं, आप टास्क कर रहे हैं, जितनी देर में आप वो टास्क करेंगे तब तक वो टाइम पीरियड चलता रहेगा. The learning of facts, although important, is recognized as subordinate to the mastery of concepts and methods of inquiry. वो कह रहा है कि सीखना, facts जानना यद्यपि यहाँ भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप concept की आपको कितनी mastery हो गई. The assessment of student is holistic and individualized. यहाँ पे आपका संपूर्ण तरीके से आकलन किया जाता है, वैयक्तिक आकलन किया जाता है. मूल्यांकन यहाँ पे सतत, व्यापक और ये जानने के लिए कि कौन सी चीज है, कहाँ आप कमी है आपके अंदर जिसको दूर किया जा सके. रिसर्च एंड एक्सपीरियंस जनरली सपोर्ट द कंक्लूजन दैट पीपल्स इन नॉन ग्रेडेड सेटिंग्स वर्क हार्डर, मोर कंफर्टेबली एंड अचीव मोर एंड बेटर रिजल्ट्स देन ग्रेडेड स्टूडेंट्स डू. ये बहुत सारे अनुसंधानों में भी पाया गया है कि नॉन ग्रेडेड सेटिंग में बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है.
ये भी पाया गया है कि बच्चे जो नॉन ग्रेडेड स्कूल के होते हैं उनकी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ बेटर होती है. ठीक है, वेरियस नेम्स हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस अप्रोच. नॉन ग्रेडेड स्कूल को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे मिक्स्ड एज ग्रुपिंग, हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग, ओपन एजुकेशन, और ये किसी भी उम्र वर्ग के संग आप कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी ईयर्स में नॉन ग्रेडेड स्कूल का कंसेप्ट ज्यादा फायदेमंद होता है. ए नॉन ग्रेडेड क्लासरूम डिफर्स फिजिकली फ्रॉम ए ग्रेडेड वन. जो नॉन ग्रेडेड क्लासरूम है वो ग्रेडेड क्लासरूम से फिजिकली भी डिफर होता है. जैसे कि जो ग्रेडेड स्कूल होता है उसमें क्या होती है, डेस्क हमारी फिक्स रहती है ना. यहाँ पे रोज ऑफ डेस्क डू नॉट परमानेंटली फेस वन डायरेक्शन, जरूरी नहीं. और सारी डेस्क ग्रेडेड स्कूल में एक तरफ होती है, मतलब टीचर को देखने के लिए. बच्चों के आपस के इंटरेक्शन के लिए तो कोई स्पेस होता नहीं है उसमें. लेकिन नॉन ग्रेडेड में रोज ऑफ डेस्क डू नॉट परमानेंटली फेस वन डायरेक्शन, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक दिशा में देखें. आप हम ऐसा व्यवस्था होगी कि बार बार ग्रुप बन सके क्लास में. लर्निंग सेंटर्स आर स्कैटर्ड अराउंड द रूम, टेबल्स होल्डिंग मैथ साइंस एंड आर्ट मटेरियल्स, अ सैंड टेबल विद प्लास्टिक टॉयज, अ लाइब्रेरी कॉर्नर, बुक फिल्ड शेल्व्स. मतलब आपका क्लासरूम जो है वो ये नहीं कि उसकी एक सेटिंग बना दी गई वो हमेशा वैसे ही रहेगा. कहीं पे कुछ किताबें हो सकती हैं, कहीं कोई मटीरियल हो सकता है, आप उसमें सब रीग्रुपिंग होने की व्यवस्था हो सकती है. फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग इज ए की एलिमेंट ऑफ नॉन ग्रेडेड एजुकेशन. जो अवर्गीकृत विद्यालय या शिक्षा प्रणाली है उसकी उसका जो मुख्य एकदम एलिमेंट अगर बात की जाए तो वो है फ्लेक्सिबल. हम फ्लेक्सिबल हैं, हमने पहले से कुछ मान के नहीं चला है कि हम ऐसे ही चलेंगे. स्टूडेंट्स आर ग्रुप्ड होमोजीनियसली बाई अचीवमेंट फॉर सब सब्जेक्ट, फॉर अदर सब्जेक्ट दे कैन लर्न इन हेट्रोजीनियस ग्रुप. मतलब उनकी ग्रुपिंग भी फ्री है, फ्लेक्सिबल है. कभी वो एक जैसा ग्रुप बना सकते हैं, कभी भिन्न भिन्न तरीके का बना सकते हैं. एट डिफरेंट टाइम्स स्टूडेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली इन पेयर्स एंड इन लार्ज एंड स्मॉल ग्रुप्स. वो अलग अलग समय पे वो अलग अलग ग्रुप्स में काम करते हैं. कभी दो बच्चे काम कर रहे हैं, कभी बड़ा समूह काम कर रहा है, इस तरीके से. ये इसका लास्ट स्लाइड है कंसेप्ट के लिए. ए नॉन ग्रेडेड स्कूल रिकॉग्नाइजेस दैट ईच चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल विद अ यूनिक टाइम टेबल एंड स्टाइल ऑफ लर्निंग. नॉन ग्रेडेड स्कूल ये मानता है, ये पहचानता है कि हर बच्चा यूनिक है और उसका टाइम टेबल और सीखने का स्टाइल भी यूनिक है. इट ऑनर्स दिस बाय रिमूविंग ग्रेड लर्निंग रिक्वायरमेंट्स एंड परमिट्स ईच चाइल्ड टू प्रोग्रेस थ्रू द करिकुलम एट द पेस एंड मोस्ट कन्वीनियंट एंड प्रॉफिटेबल टू हिम. वो बच्चे को करिकुलम उस हिसाब से आगे बढ़ने देते हैं, करिकुलम के साथ जो उसके लिए अच्छा हो, जिसके हिसाब जो उसके हिसाब से चल सके. ए डिवीजन बाय एज इनटू सेपरेट ग्रेड्स डज नॉट एग्जिस्ट. एज के हिसाब से कोई ग्रेडिंग यहाँ पे नहीं की गई है. द रैपिड लर्नर प्रोग्रेसेस रैपिडली थ्रू द करिकुलम सिंपली बिकॉज ही इज ए रैपिड लर्नर. ही डज नॉट मार्क टाइम वेटिंग फॉर स्लोअर लर्नर्स टू कैच अप टू हिम. जो एडवांस्ड बच्चा है, जो बहुत तेज है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, वो क्या है, जल्दी जल्दी सीख जाएगा. उसको दूसरे बच्चे के लिए रुकना नहीं पड़ेगा कि भी बाकी बच्चे भी लिख लें. जैसे हम लोग जब ब्लैक बोर्ड पर लिखाया जाता था छोटे होते थे, तो ब्लैक बोर्ड पर मैम लिखती थी और हम लोग कहते थे मैम लिख लिया है, तो मैम क्या कहती थी कि रुक जाओ बाकी बच्चे भी लिखें, ऐसा होता था ना. तो हमको रुकना पड़ता था बाकी लोगों के लिए. और कई बच्चे जो बार बार रुकने के बावजूद मैम कहती थी बस अब हम मिटा रहे हैं, अब हम इसको रब कर देंगे, इरेज कर देंगे, अब सब लोग लिख लीजिए, लेकिन कई बच्चों का फिर भी छूट जाता है ना. ये ग्रेडेड स्कूल के संग दिक्कत है. उसी तरह से दी स्लो लर्नर मूव्स मोर स्लोली थ्रू द करिकुलम बिकॉज दिस इज द लर्निंग पेस मोस्ट प्रोडक्टिव टू मी. यानी कि वो सबसे धीरे चलता है तो वो क्लास की गति के संग गति नहीं मिला पाता. ही इज नॉट गोडेड इन टू ट्राइंग टू लर्न समथिंग, इज नॉट येट रेडी टू लर्न. और जो वो बच्चा नया कंसेप्ट सीखने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक होता है कि आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, और उसको तो पिछला ही चैप्टर नहीं आता है. तो एंड ही इज सेव फ्रॉम द एम्बैरेसमेंट ऑफ अपीयरिंग डल बिफोर हिज क्लासमेट्स. तो उसको क्या लगता है कि वो बाकी बच्चों के हिसाब से डल है, पर वो तो उसकी इंडिविजुअलिटी है ना, हमको उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए और उसको उसके पेस से पढ़ने देना चाहिए. नॉन ग्रेडेड स्कूल्स देन आर दी स्कूल्स दैट टीच चिल्ड्रन एज दे आर एंड नॉट एज समवन इमेजिन्ड दे शुड बी. बहुत खास लाइन है, वो कह रहा है नॉन ग्रेडेड स्कूल ये मान के चलता है कि जो बच्चा जैसा है हम उसको वैसे ही पढ़ाएंगे, न कि ये हम उसको उस तरह से पढ़ाएंगे जैसे हमने कल्पना कर ली है कि उनको पढ़ना चाहिए. फिर डेफिनेशन देख लीजिए. रॉबर्ट एंडरसन्स डेफिनेशन ऑफ नॉन ग्रेडेडनेस पॉइंट्स आउट दैट इट इज मोर देन ए वर्टिकल पैटर्न ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन. वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक वर्टिकल पैटर्न नहीं है स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन का, बल्कि ये क्या है, नॉन ग्रेडेडनेस रिफर्स टू एटलीस्ट टू डायमेंशंस ऑफ द स्कूल एंड इट्स एटमोस्फियर. दो इसमें आयाम काम करते हैं, कौन कौन सा, द फिलोसफी, वो दर्शन जो ये गाइड करे कि बिहेवियर ऑफ द स्कूल स्टाफ टुवर्ड द पीपल्स, कि स्कूल स्टाफ का बिहेवियर प्यूपिल के लिए क्या है, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी एंड प्रोसीजर्स वेयर बाय द लाइफ ऑफ प्यूपिल्स एंड टीचर्स इज रेगुलेटेड एंड फैसिलिटेटेड. तो दो चीजें काम करती है नॉन ग्रेडेडनेस में, एक तो वो दर्शन और दूसरा जो प्रशासनिक और जो संगठनात्मक मशीनरी है आपके स्कूल की वो. फिर रिचार्ड मिलर क्लेरिफाइज दिस डेफिनेशन बाय साइटिंग थ्री आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन ग्रेडेड स्कूल.
वो कह रहे हैं कि अगर कोई स्कूल नॉन ग्रेडेड स्कूल है तो उसके तीन विशेष गुण होने चाहिए. कौन कौन से? द नॉन ग्रेडेड स्कूल इज वन विदाउट ग्रेड फेलियर एंड और रिटेंशन इन द कन्वेंशनल सेंस. इसमें ये नहीं होगा कि कोई बच्चा फेल है कोई बच्चा पास है. इट हैज इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन विद द पर्पस ऑफ परमिटिंग यंगस्टर्स टू प्रोग्रेस. दे इंडिविजुअली शो कॉम्पिटेंस टू डू सो. यानी कि इसमें आपको आपके हिसाब से इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और आप अपनी गति से आगे चलिए. It permits sufficient flexibility in the instructional program to make instructional adjustments both in terms of intrapersonal variability and in terms of interpersonal variability. यानी कि और ये जो system है वो इतना आपको लचीलापन है इसमें कि वो सारा permit करता है कि आप किनके संग group बनाना चाहते हैं, आप किसके संग adjustment करना चाहते हैं, सब कुछ. ठीक है. फिर रिसर्च एविडेंस, यानी कि रिसर्च ने भी बताया है कि नॉन ग्रेडेड स्कूल बढ़िया होते हैं. Graded education assumes that students who are of the same age are at basically the same level of cognitive development, can be taught in the same way and will progress at the same rate. यानी graded education जो हम लोग का चलता है traditional, हम क्या मान के चलते हैं कि हर बच्चा जो उसी उम्र का है वो उसी हिसाब से उसका मानसिक विकास cognitive development होगा और आप उसको उसी तरह से पढ़ा सकते हो और उसी तरीके से उन्नति करेगा. ये तो गलत है ना. Intellectual development is assumed to be the goal and the division of curriculum into discrete skills and objects to be the most effective organization. लेकिन ऐसा नहीं है. यंग चिल्ड्रन एक्चुअली वेरी इन देयर रेट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. वो कह रहा है कि खासतौर से छोटे बच्चों में तो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में भिन्नता होती है. कोई बहुत जल्दी वो चीज पा लेता है, कोई किसी को बहुत टाइम लगता है वही चीज सीखने में. दे ऑफन प्रोग्रेस एट डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ अचीवमेंट. बहुत तरीके की उपलब्धियों में वो बहुत वेरी करते हैं. गुड लैड एंड एंडरसन ने कहा कि चिल्ड्रन एंटरिंग द फर्स्ट ग्रेड डिफर इन मेंटल एज बाय अप्रॉक्सिमेटली 4 फुल इयर्स. उसने कहा कि ये भी हो सकता है कि बच्चे जो फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन लिए हों वो आपस में एक एज ग्रुप के बच्चे हैं, लेकिन कम से कम 4 साल तक का उनमें अंतर हो मेंटल एज में. इवन ग्रेटर वेरिएशन में भी फाउंड इन सब्सिक्वेंट ग्रेड्स. और बाकी के ग्रेड में ये अंतर और ज्यादा भी हो सकता है. तो ये कितना गलत है उनसे अपेक्षा करना कि वो एक ही तरीके का सीख जाएंगे. Swiss psychologist Jean Piaget established that young children are cognitively not ready to think abstractly. They learn best through active hands-on activities with concrete materials. हम लोग पियाजे को पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि उन्होंने कहा जो छोटा बच्चा है वो abstract thinking नहीं कर पाता है. वो तभी बेहतर सीख सकता है जब हम उनको करके सिखाएं. Research on learning has shown that whatever the learner's age, information taught in a meaningful context is more easily learned than unconnected facts and that individuals with different learning styles rely to different degrees on auditory, visual and kinesthetic cues. हम लोग learning style भी पढ़ चुके हैं. Learning style क्या होता है कि हर व्यक्ति का style अलग अलग है सीखने का. तो research ये भी कहती है कि हमको कोई भी information meaningful तरीके से देना चाहिए और बहुत तरीके की learning style के हिसाब से देना चाहिए, जो कि नहीं करते हम generally. In its influential position statement, the National Association for the Education of Young Children summarized this accumulated knowledge of child development and described appropriate teaching practices for primary age children. Its list of developmentally appropriate practices closely matches the components of non-related education. मतलब National Association for the Education of Young Children था, उसने अपना जो position statement दिया उसमें उसने कहा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए जो appropriate teaching practices होती हैं वो उसमें उसके बहुत सारे components non-graded education से मिलते हैं. After reviewing studies comparing graded and non-graded programs, Miller concluded that multi-age or multi-graded classes are as effective as single-grade classes in terms of academic achievement and superior in terms of student attitude towards school and self. यानी कि researchers ने भी कहा है कि जो non-graded school हैं वो बेहतर काम करते हैं. ठीक है. और अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो क्या होगा कि एक्सपर्ट्स एग्री दैट टीचिंग मल्टी एज क्लासेस रिक्वायर्स मोर प्रिपरेशन टाइम. टीचर बर्नआउट ड्यू टू इनसफिशिएंट प्लानिंग टाइम वाज वन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ अर्लियर नॉन ग्रेडेड एक्सपेरिमेंट्स. मोस्ट टीचर्स विल रिक्वायर सब्सटेंशियल ट्रेनिंग. इट इज अ कॉस्टलियर प्रोग्राम. यानी कि बहुत अच्छाइयां हैं, हम बच्चे को इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम उसको उसकी गति से पढ़ने दे रहे हैं, हम उस पर कभी ठप्पा नहीं लगा रहे हैं कि तुम फेल हो कि और तुम कमतर हो किसी से, लेकिन इसके लिए बहुत सारी तैयारी की जरूरत है. इसके लिए आपको बहुत स्टाफ चाहिए, इसके लिए जो आपको टीचर्स चाहिए वो संख्या में ज्यादा चाहिए, वो ट्रेंड चाहिए, हमको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, हमको बहुत सारा सामान इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स चाहिए. तो ये बहुत महंगा प्रोग्राम है, इसीलिए ये भारतीय दशाओं में होना इसका मुश्किल है. लेकिन एटलीस्ट हम ये मान के चल सकते हैं, हम इस फिलॉसफी के साथ चल सकते हैं कि हर बच्चा क्लास में एक दूसरे से अलग है और हम ये उम्मीद ना रखें कि हर बच्चा टॉप कर जाएगा क्लास में, या अगर कोई डल शो कर रहा है तो हम ये मान के चलें कि ठीक है उसको ज्यादा समय
लगेगा, उसको हम ज्यादा समय दें पढ़ने के लिए, उसको कुछ एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल कर दें, रिमीडियल कर दें, तो कम से कम उस पर डल या फेलियर का धब्बा ना लगे, ठीक है। Good Lad and Anderson found that understanding and support by teachers and parents were the factors most crucial to the success of non-graded programs. Thus, educating and informing teachers and parents is the first priority. Good Lad and Anderson ने पाया कि तभी non-graded schools अपनी उन्नति को पा पाएंगे जब teachers और parents ये मान लें कि non-graded school graded school से बेहतर है, और इसलिए और तभी हम इसकी success सुनिश्चित है। मतलब अमेरिका, मतलब जहाँ पे ये शुरू हुआ वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ये successful नहीं हो पाया, इसके पीछे ये रीजंस थे, बट इट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ओके, सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड ऑल टॉपिक्स अंडर द मेन हेडिंग ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। सो गो थ्रू ऑल द वीडियोस, लर्न इट बाय हार्ट एंड डू वेरी वेल इन योर एग्जाम्स। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन एंड कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड।